सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से। अलीगढ़ में 3 मंजिला बिल्डिंग भरभराकर गिरी। घनी आबादी में देर रात तक हुआ हादसा। मलबे में 3 घायलों को निकाला गया। प्रयागराज में दरोगा ने चुराया बल्ब, इधर उधर देखा फिर बल्ब निकालकर जेब में रखा। एसएसपी ने किया सस्पेंड। सीएम के आने से पहले खनन माफिया जफर गिरफ्तार। मुरादाबाद में आज भी पुलिस पर चलाई गोली, मुठभेड़ में घायल। प्रेमिका ने प्रेमी को हॉस्पिटल में पीटा। इंदौर में अलीगढ़ से आई थी, होटल में रुके थे दोनों। विवाद होने पर प्रेमिका ने काटा अपना हाथ। गाजियाबाद में लिफ्ट में 30 मिनट फंसे रहे 3 रेजिडेंट्स। प्रतीक ग्रैंड सोसाइटी में बेसमेंट तक पहुंचने से पहले ही झटके से रुकी लिफ्ट। हाजी इकबाल के बेटों सहित 4 पर बलात्कार का मुकदमा। दिल्ली की महिला ने सहारनपुर में कराया केस। अमरोहा में रोडवेज बस ट्रैक्टर ट्राली में घुसी, एक महिला की मौत, 20 सवारियां घायल। बाराबंकी से दिल्ली जा रही थी बस। कानपुर में डायरिया से दूसरी मौत। 70 साल के बुजुर्ग ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। डेंगू भी हो रहा था बेकाबू अब तक। काशी में गंगा में जलमग्न हुए 80% घाट। गंगा का जलस्तर वार्मिंग लेवल से 2.5 मीटर नीचे। आरती और अंत्येष्टि स्थल बदले। बदायूं में रासलीला कलाकार मंच ने गिरकर घायल। देर रात दातागंज से निकली थी शोभा यात्रा, राधा का किरदार निभाते समय गिरा। लखीमपुर खीरी में उधारी का रुपए मांगने पर युवक को पीटा। झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी। प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए थे रुपए। शुगाबाद में ट्रक और दूध के टैंकर में भिड़न। ट्रैक्टर में ट्रक घायल, चालक घायल। हादसे में के बाद ट्रक और ट्रैक्टर मॉडल शॉप में घुसे। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ भाकियों का घटना। धरने में शामिल हुए राकेश टिकैत। 3 प्राधिकरणों से 64% मुआवजे की मांग। हरदोई में जिसका किया अंतिम संस्कार वह जिंदा मिली। जमीनी विवाद में फंसाने के लिए अज्ञात शव को बताया था बेटा। मां बेटे गिरफ्तार। उन्नाव में डेंगू के बढ़ रहे मरीज। अब तक 33 भर्ती। लखनऊ भेजा जा रहा है सैंपल। रोज 50 से अधिक पहुंच रहे मरीज। ज्ञानवापी मामले में अयोध्या के परमहंस आचार्य हुए भावुक। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। जमीनी विवाद में भाई को मारपीट कर किया मरणासन्न। मुजफ्फरनगर के गांव संधावली में देर रात भाई भतीजों ने किसान के घर पर बोला हमला। नोएडा में जल स्तर बढ़ाने की कवायद। वाटर मीटर लगाए जाएं और वेटलैंड के बाद पानी की गुणवत्ता का करे ध्यान। सीतापुर में बाढ़ के पानी में डूबकर किशोर की मौत। खेत में गया था मवेशी को भगाने और पैर फिसलने से पुलिया के नीचे जा गिरा। फतेहपुर में मुठभेड़ में गौ तस्कर गिरफ्तार। पैर में लगी गोली, साथी फरार। तमंचा, गौवंश करने के उपकरण और गौवंश बरामद।
बागपत में चेकिंग के दौरान अभियुक्त गिरफ्तार, एक तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद, किसी घटना को देने जा रहा था अंजाम। कुशीनगर में सड़क हादसे में युवती की मौत, चार घायल, दो बाइकों की आमने सामने टक्कर, सड़क पर गिरी युवती को कार ने कुचला। सीतापुर में गैंगस्टर कोर्ट ने भू माफियाओं को सुनाई सजा, रमन साहनी और सरोज अवस्थी को 5-5 साल की कैद। देवरिया में एसपी ने कांस्टेबल को किया लाइन हाजर, सीओ और सौंपी गई जांच कमान, नाबालिग और उसके पिता की थी पिटाई। हापुड़ में भाजपा संगठन करेगा मंथन, आगामी निकाय चुनाव का चक्रव्यूह होगा तैयार, 19 जिलों के जुटेंगे भाजपा पदाधिकारी। अलीगढ़ में सांवरिया हॉस्पिटल में प्रसूता की हुई मौत, परिजनों ने हॉस्पिटल स्टाफ पर लापरवाही का लगाया आरोप। सफाई पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अखिलेश यादव एवं उनके परिजनों से की मुलाकात। बिजनौर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई युवक की मौत, मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने थाने में शव रखकर घंटों तक किया हंगामा। हमीरपुर पुलिस ने अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह का किया खुलासा, चोरी के 1,10,00,000 के 12 वाहन बरामद। रायबरेली में जिला अस्पताल में जहरीली गैस के रिसाव से मचा हड़कंप, मरीजों को किया गया था दूसरे वार्ड में शिफ्ट। अलीगढ़ में पेट्रोल का ट्रक लेकर भाग रहे आरोपी से अनियंत्रित होकर ट्रक खाई में गिरी, पीछे भाग रहे ट्रक ड्राइवर व हेल्पर के आई चोट। औरैया में पेट परीक्षा को लेकर प्रशासन सख्त, जिला प्रशासन ने सकुशल परीक्षा कराने के लिए की जोरदार तैयारियां। अलीगढ़ में सालासर बालाजी की चतुर्थ स्थापना दिवस पर मंदिर से निकाली गई भव्य ध्वज यात्रा, हजारों भक्तों ने हाथों में निशान लेकर निकाली यात्रा। औरैया में संदिग्ध परिस्थितियों में झाड़ियों में मिला लापता दलित युवक का शव, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ में प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने, मौत को गले लगाकर पेट्रोल लूट रहे सैकड़ों ग्रामीण। बुलंदशहर में खुर्जा के मशहूर व्यापारी राजकुमार का दिन दहाड़े हुआ अपहरण, सूचना के बाद पुलिस ने आला अधिकारी मौके पर मौजूद। अलीगढ़ में शाह अब्दुल गफ्फार शम्स तबरेजी की याद में धूमधाम से मनाया गया 41वां उर्स मुबारक। देवरिया में पटाखा फोड़ने के आरोप में प्रिंसिपल ने छात्र को जमकर पीटा, परिजनों ने कोतवाली में दी तहरीर। गाजियाबाद में मिले 139 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे, शासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट। हमीरपुर में प्रेम संबंध के चलते हुई महिला की हत्या का खुलासा, 3 हत्यारोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में दहेज में गाड़ी ना मिलने पर पति ने पत्नी को फोन कर दिया 3 तलाक, केस दर्ज। हमीरपुर में दिन दहाड़े व्यापारी के साथ हुई 2,50,000 रुपए की टप्पेबाजी, मामले की जांच में जुटी पुलिस।
हरदोई में सरकारी दफ्तर बना मैखाना अफसर को टेबल पर पियर पीने का वीडियो वायरल, निलंबन और बर्खास्तगी की हुई सिफारिश। कानपुर में शौचालय में मिला 3 दिन से लापता मासूम का शव, परिजनों ने हत्या के बाद शव को फेंके जाने की जताई आशंका। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक कासगंज का दौरा पूरा कर देर रात पहुंचे गंज गुनवार। उप मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। लखनऊ में पेट 2022 परीक्षा के मद्देनजर जिलाधिकारी ने किया शिक्षा केंद्रों का निरीक्षण, रांची बालिका इंटर कॉलेज का लिया जायजा। जौनपुर में लड़कियों में बढ़ा सेल्फ डिफेंस बनाने का क्रेज, शौदों को जवाब देने के लिए सीख रही हैं अब मार्शल आर्ट। लखनऊ में भाजपा ने निकाय चुनाव को लेकर शुरू की तैयारियां, भाजपा द्वारा चलाया जाएगा विशेष मतदाता अभियान। रायबरेली में शराबी पति ने पत्नी की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने किया सावस्ती का दौरा, राज्य मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों का सहयोग करने का दिया आश्वासन। सुल्तानपुर में एक्सप्रेसवे पर बीएमडब्ल्यू की कंटेनर से टक्कर, 4 की मौत, हादसा इतना भीषण था कि एक का सिर 20 मीटर दूर जाके गिरा। चंदौली में मुगलसराय पुलिस ने किया प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का खुलासा, पुलिस ने 2 अभियुक्तों शहनवाज शहाबुद्दीन को किया गिरफ्तार। गाजीपुर में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण, परीक्षा को सकुशल और शांतिपूर्ण कराए जाने के लिए दिए निर्देश। देवरिया में लगातार हो रही बारिश से कई गांव जलमग्न, बाढ़ क्षेत्र में जाकर विधायक जय प्रकाश निषाद ने बांटी राहत सामग्री। फरुखाबाद के जिला अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री ने मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए दिए निर्देश। हमीरपुर में अज्ञात वाहन ने युवक को मारी टक्कर, टक्कर लगने से युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम। हरदोई में शाहजहांपुर हरदोई हाईवे पर हुआ भयंकर सड़क हादसा, हादसे में कांवड़ खरीद रहे व्यक्ति की मौत। कानपुर के दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर निकाय चुनाव पर किया मंथन। कासगंज में 2 दिवसीय पीईटी परीक्षा हुई शुरू, परीक्षा सकुशल संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के किए गए कड़े बंदोबस्त। कानपुर बच्चों का खुलेआम हुक्का पीते वीडियो सामने आया, ये वीडियो कानपुर के बेहद पास नवीन मार्केट का है। बीएसपी ने लालचंद गौतम को पार्टी से किया निष्कासित, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते किया गया निष्कासित। नन्हे फैन ने मुलायम सिंह यादव को दी श्रद्धांजलि, अखिलेश यादव से की बात, मौत की खबर सुनकर अकेले ही जा रहा था सफाई। संपूर्ण समाधान दिवस के डिस्ट्रिक्ट जिलाधिकारी श्री शूर पाल गंगवार पहुंचे तहसील सदर, जिलाधिकारी ने की जन सुनवाई। श्रावस्ती से डीएम निहार प्रकाश ने मृतक लेखपाल के घर पहुंचकर दी सांत्वना, राहत सामग्री बांटते जाने
समय नाव पलटने से लेखपाल की हुई थी मौत। फरार आईपीएस मणिलाल पटीदार का लखनऊ कोर्ट में सरेंडर, पुलिस एसटीएफ चौके, 2020 से चल रहे थे फरार। सवस्ती में बड़े भाई की हत्या कराने वाला छोटा भाई गिरफ्तार, भाई की हत्या कर फरार हो गया था युवक। सिद्धार्थनगर में सांसद जगदंबिका पाल, डीएम ने किया बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा, पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। पेट को लेकर सांसद वरुण गांधी का ट्वीट, सीएम योगी पर तंज कसते हुए लिखा, बाढ़ के हवाई निरीक्षण से जमीनी मुद्दे नहीं दिखते। अमेठी में एसपी ऑफिस के बगल में मारपीट, दबंगों ने घंटों मचाया तांडव, दुकान के किराए को लेकर हुआ था विवाद। बांदा पहुंचे राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख डॉक्टर रामविलास देवंती, बोले जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता। अंबेडकर नगर में बाढ़ का कहर, लोगों के घर में घुसा पानी, घर छोड़कर बाढ़ चौकी में रहना कठिन। बलिया में सड़क के किनारे खून से लथपथ मिली किशोरी, गैंगरेप की आशंका, गैर समुदाय का युवा गिरफ्तार। नाम के आगे छतरी लिखने पर युवक को पीटा, ललितपुर में लड़कों ने झुंड बनाकर घेरा, हाथ जोड़कर मनते करता रहा पीड़ित। रामपुर में खनन माफियाओं की संपत्ति जब्त, एसपी बोले अवैध रूप से कमाई गई थी संपत्ति, पुलिस माफियाओं को कर रही चिन्हित। कौशाम्बी में कारोबारी के घर से 2 लाख की चोरी, परिवार समेत धार्मिक यात्रा पर गए थे, दरवाजे की कुंडी काटकर बदमाश उठा ले गए सामान। फिलहाल 75 जिलों की 75 खबरों, बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस